क्रिकेट की बमचक इज स्पॉन्सर्ड बाय माय 11 सर्कल। मेरी टीम खेल रही है और आपकी माय 11 सर्कल पे अपनी टीम बनाओ और मुझे हराओ। खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस। डाउनलोड माय 11 सर्कल ऐप नाउ। स्वागत है आपका क्रिकेट की बमचक में। बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले मैच में, जो कि दुबई में खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए केन विलियमसन, जो कि अभी तक उनकी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, इंजरी हुई थी, उसके बाद जब से टीम को ज्वाइन किया था तब से उनको हमने देखा कि पिछले मैच में वो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें इंजरी हुई थी। तो क्या अब ओपन अप होगा स्पेस चौथे ओवरसीज प्लेयर के लिए? हाँ, मुझे लगता है, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी, मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है दोनों टीमों की ओपनिंग। जैसा कि हम आप अभी पहले बात भी कर रहे थे कि एक तरफ है राजस्थान रॉयल्स, जिनके लिए लगातार बेन स्टोक्स और रॉबिन उथप्पा ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन बेन स्टोक्स जो उनके सबसे की प्लेयर हैं वो ओपनिंग में फ्लॉप हो रहे हैं। उथप्पा ने भी एक अच्छी इनिंग खेली फिर फ्लॉप हो गए। तो क्या स्टोक्स को नीचे लाएंगे और वापस ओपनिंग का स्लॉट खाली करेंगे जॉस बटलर के लिए? और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद, जिनके कैप्टन ने खुद को ही डिमोट कर लिया बैटिंग ऑर्डर में। डेविड वार्नर का जब भी नाम आता है तो याद आती है ओपनिंग, लेकिन वार्नर ने खुद को ओपनिंग से हटाया, नंबर 4 पर लाया पिछले मैच में, ओपनिंग में भेजा जॉन बेरस्टो और केन विलियमसन को। तो अब क्या दोनों टीमें अपने इस नए ओपनिंग ऑर्डर के साथ, ओपनिंग पेयर के साथ स्टिक करेंगी, या इनकी असफलता को ध्यान में रखते हुए थोड़े कुछ शफल करेंगी, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात कि केन विलियमसन क्या मैच फिट रहेंगे इस मैच के लिए, क्योंकि पिछले मैच में ऑब्वियसली वो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें ओपन करने के लिए भेजा गया था क्योंकि पावर प्ले ओवर्स का पूरी तरह से वो इस्तेमाल कर सके, बाउंड्रीज में रन स्कोर कर सके, क्योंकि दौड़ नहीं पा रहे थे। और 29 उन्होंने बनाए 19 डिलीवरीज में। आपने जो कहा कि क्या डेविड वार्नर फिर से नीचे आएंगे, एक कारण हो सकता है, क्योंकि हमने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी ये देखा था कि जोफ्रा आर्चर ने बहुत परेशान किया था डेविड वार्नर को। तो जो मैचअप है वो फेवर में है राजस्थान रॉयल्स के इस केस में, तो इसीलिए नीचे लाने की शायद एक और उनको कारण मिल गया है, नीचे लाने का सोच सकते हैं। अगर विलियमसन फिट नहीं होते तो मोहम्मद नबी की भी जगह मिल सकती है, बस एक मैच खेला है अभी तक इस सीजन के आईपीएल में, और ऑलराउंडर के तौर पे बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्पिन उनकी गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी हो, लोअर डाउन दी ऑर्डर, लेकिन मौके ज्यादा नहीं मिल पाए। बिल्कुल, और नबी को एक्शन में देखने के लिए काफी लोग चाहते भी हैं कि वो आए टीम में खेलें। यूजफुल हैंडी प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, चार ओवर अपने कोटे के डाल सकते हैं, और अगर लोअर डाउन दी ऑर्डर आगे 20-25-30 रन भी तेजी से बना दिए तो उनकी टीम के लिए वो आसानी हो जाएगी। वो टीम जो अभी दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में स्ट्रगल कर रही है, इसलिए ये सब चीजें छोटे छोटे चेंजेस और भी अहम हो जाते हैं, बहुत अहम हो जाते हैं, जैसे आपने बोला मिडिल ऑर्डर में या लोअर डाउन दी ऑर्डर में बल्लेबाजी, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के जो यंग प्लेयर्स हैं उनमें से एक अर्धशतक आया जरूर है प्रियम गर्ग के बल्ले से सीएसके के खिलाफ, लेकिन अदरवाइज जो बड़ी पारियां उनसे एक्सपेक्टेड हो, मौके भी मिले, क्योंकि कई बार जल्दी विकेट भी खोया है सनराइजर्स हैदराबाद ने, लेकिन उनको अभी तक पूरी तरह से भुनाया नहीं है, तो उनके लिए मौका है ऑब्वियसली इस मैच में शाइन करने का, लेकिन मोहम्मद नबी के आने से वो बैलेंस टीम को मिल सकता है। अब बात करते हैं, अगर फोकस करते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ, आपने कहा था कि ओपनिंग में इशू है, और एक स्टैट भी इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि 20 विकेट अभी तक उन्होंने खो रखे हैं, 10 मैच खेले हैं पावर प्ले ओवर्स के अंदर, और ये जो स्टैट है ये सबसे खराब है, बाकी सारी टीमों में सबसे खराब है, क्योंकि उनके बाद जो टीम आती है चेन्नई सुपर किंग्स, उन्होंने भी 15 विकेट खोए, 20 बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, और अपनी इसी बैटिंग को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा निर्भर करेगी राजस्थान रॉयल्स दो विदेशी खिलाड़ियों पर, जॉस बटलर और स्टीवन स्मिथ। जॉस बटलर जिन्होंने 9 मैच में 265 रन बनाए हैं, करीब करीब 33 की एवरेज है। स्टीव स्मिथ जिन्होंने 10 मैच में बनाया 246 रन, औसत है करीब करीब 28 की, लेकिन हाल फिलहाल थोड़े फॉर्म में आए हैं, तो उम्मीद यही है कि कोहली के साथ समकालीन सर्वश्रेष्ठ में गिने जाने वाले स्मिथ अब कुछ बेहतर करेंगे। जी, कप्तान हैं उन पे बहुत ज्यादा दारमदार है, पिछले 2 मैचेस में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उससे पहले शुरू के 2 मैचेस में किया था, लेकिन उसके बाद 6 इनिंग्स तक उन्होंने स्ट्रगल किया। खैर, साथ ही साथ संजू सैमसन पे भी बहुत दारमदार होगा कि स्टेप अप करे, क्योंकि उन्होंने भी पहले 2 मैचेस में अर्धशतक बनाए, लेकिन उसके बाद से कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि उनके बल्ले से रन आने बंद हो गए, और ये रेगुलरली हर सीजन में हमने देखा है कि कुछ बहुत बड़ी पारियां होती हैं लेकिन उनके अराउंड कंसिस्टेंसी को लेकर क्वेश्चन लगातार उठते रहते हैं। लेकिन जो माई 11 सर्कल ऐप पर सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर होगा उसके पास मौका है 2 करोड़ जीतने का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा माई 11 सर्कल ऐप का, वहां से बहुत सारे कॉन्टेस्ट आप खेल सकते हैं। अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश।
ऐप डाउनलोड कीजिए, बहुत सारे कॉन्टेस्ट है उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। बीट द एक्सपर्ट कॉन्टेस्ट है जिसमें आप दादा राशिद या वॉटसन की टीम को हरा के अपनी राशि को दुगना कर सकते हैं। हर रोज आईफोन जीतने का मौका है, हर हफ्ते करोड़पति बनने का भी मौका है आपके पास। तब तक क्रिकेट से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए बने रहिए दी ललन टॉप के साथ, क्योंकि मैच से बिल्कुल पहले भी हम आएंगे लाइव जब हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारी दी ललन टॉप की टीम। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।